गलत है किसी इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, इस प्रकार से इस विजन को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है। उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इतनी प्रचंड बहुमत की सीटें हैं, 36 में से 33 सीटें हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी टोलते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में स्वीकार है जो कि ये बात उचित है, पर उन्होंने ये बात कि इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऊपर के विषय में जितना मेरा ज्ञान है मुझे पता है कि पिछली और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं पुरातन काल से यही वस्त्र। आप महाराष्ट्र की सरकार से राज ठाकरे जी अजान के ऊपर मतलब लाउडस्पीकर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी बयानबाजी दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस चैत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाया, जगह जगह पे जो जुलूस सार्वजनिक रूप से रामनवमी के दिन जो है सनातन परंपरा से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाली और सौहार्दपूर्वक जो है रमजान है क्योंकि रमजान का महीना भी है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। उनकी होगी जैसे मुख्यमंत्री जी ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास किया है महिला होने के नाते, आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे और कितना संघर्ष करेंगे? ठीक है, मैं जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्य करूँगी और मैं अपनी पार्टी के साथ निष्ठा के साथ हूँ, यही मेरा।